के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। दो वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड व्हेन वी हैव सो मैनी ऑफ बैकलॉग। थैंक यू सर। एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? जो चीज़ें ऑफलाइन होती हैं वही चीज़ें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। हमारे 8वीं-10वीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं-10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर, अरे मैं इतना सीख करके आया, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले? जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का, और इसलिए आपको उलझन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े, ये हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां है उसको पूरा करते हैं।